तर्जमा जितना मुसलमानों ने किया है वो किसी ने भी नहीं किया, दुनिया जहान का इल्म दुआएं कहीं से उठा उठा। अब ये जो हो गया हुआ है छूत छात आ गई है, इस किताब को पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना, इस किताब को ये मुसलमानों में कभी भी नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये जो है कि जिन मुसलमानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो किसी झूठे पिंदार के गिरफ्तार नहीं थे, जहाँ से भी मिले। आप ये मत सोचिए कि इस्लाम अगर ये कहता है कि झूठ बोलना बुरा है तो आप किसी मजहब, किसी दीन, किसी फलसफे, किसी रिवायत में जो दुनिया में कायम है आप जाके देख लीजिए कहीं लिखा है कि झूठ बोलना अच्छी बात है। तो कानून कुदरत में इख्तिलाफ नहीं है, नहीं है। कोई तजाद कहीं भी नहीं, कहीं कोई तजाद, शम्मा 100% पार्लियामेंट भी वोट दे के ये नहीं कह सकते कि झूठ बोलना जाए, शम्मा बराबर कोई तजाद, चाहे वो आज हमारी याददाश्त में वो बात है या नहीं है, लेकिन उसमें आप जब भी आपको मिलेगी तो नहीं। मुसलमानों ने जिस दिन से खुद को बहुत ज्यादा एक तकब्बुर में मुब्तला होना शुरू हुए क्या बस, और खुद कुरान गवाह है कि जिसने तकब्बुर किया वो खत्म हुआ, खत्म हुआ बिल्कुल वो खत्म हुआ। ये कुरान के लफ्ज हैं और तकब्बुर रांधा दरगाह हो गया। इस तकब्बुर, अगर आपको यही तकब्बुर आ जाए कि हमसे ज्यादा कोई इल्म नहीं जानता और हमसे ज्यादा कोई अमल नहीं करता और हमसे ज्यादा बेहतर कोई समझता नहीं, तो फिर हम वैसे ही मिटते हैं जैसे आज हम मिटे हुए। हमने क्यों तरक्की की? हमने कहा अच्छा यूनानियों के पास एक दलील का इल्म है, सोचने का इल्म है, ख्याल का इल्म है, देखते हैं कि उसमें क्या है। और आप देखिए उसे हमने देखा तो खुद हमारे पास कितनी वसत आई। आप इब्ने खुलदून, जी इब्ने खुलदून को देख लीजिए और आप अफलातून का जो नजरिया शहरियत है उसको देख लीजिए, बिल्कुल आपको इतनी मुमासलत सही है नजर आएगी, गो के खुलदून उनसे आगे निकल गए और निकलना चाहिए था, और निकलना चाहिए था। वक्त बदला, जमाना बदला, इंसान के तजुर्बे बदले, पांच सदियां सात सदियां बीच में आ तो उसने उस तमाम जो तब्दीली है उस तब्दीली के अमल को समझा और उसके बाद तजिया करके आपके सामने एक उसूल रख दिया कि ये तमद्दुन के बुनियादी उसूल ये होते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अफलातून ने उन उसूलों को नजरअंदाज कर दिया, जिंदगी गुजर। और अगर वो अफलातून के उसूल ना आते तो ना हमारे यहाँ अलकिंदी होता, ना हमारे यहाँ फाराबी होता, इसमें कोई हरज नहीं, हरज भी नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर ये कायनात खुदा की है और अजल से लेके अब तक उसके सिवा कोई दूसरा खालिक नहीं है तो जो कुछ भी है वो हम सब के लिए एक वर्षा है, बिल्कुल एक वर्षा है। और वर्षा इसलिए है वो खैर शर की बात है। और सूरह बकर में उसने कह दिया हमने एक ही जगह जिम्मेदार ठहराया कि हमने तुम्हें कुव्वत तमीज दे दी, इम्तियाज करने का उसूल बता दिया, अब ये तुम्हारी गलती या तुम्हारी भलाई होगी कि तुम क्या चुनते हो। और ये भलाई इल्म की एक, हम सिर्फ इल्म कौली पर गए, हमने दलील भी सिर्फ कौल के लिए रखी, हमने इस्तदलाल फिक्र के लिए नहीं ढूंढा। असल चीज यही है, वो जो ताफत फलसफा की बड़ी बात है कि फिक्र के लिए, फिक्र के लिए इस्तदलाल। इस वक्त एक और बड़ी अलमिया हमारा हुआ है कि हमारी सारी साइंस जो है वो एम्पिरिकल हो गई है, बड़ा बहुत बड़ा अलमिया है। और एम्पिरिकल साइंस की एज बड़ी थोड़ी होती है, 50 साल 60 साल मैक्सिमम इतनी होती है। आपने पूरी के पूरी वो जो बड़े कैनवस के इल्म ओवरऑल होता है, ये बहुत अजीब डिस्कशन, बहुत लंबी है कि एक बहुत सोचने वाला इल्म वो ख़त्म होता जा रहा है, डाटा कलेक्शन रह गई। तो आप चूँकि मॉडर्न सेंसिबिलिटी के आदमी इसलिए मैं सवाल रखती हूँ। देखें, वक्त के साथ साथ हमने वक्त के जो बदलते हुए तकाजे हैं उनको कभी हमने फॉलो किया ही नहीं है, ना उनको कबूल किया है। अब जैसे ये कि अब वक्त के साथ साथ जो लोग इंतहा पसंद आज भी हैं, पुराने वक्तों में भी थे, कि ख्वातीन की तालीम को वो तरजीह नहीं देते, आप भी मतलब एक इस चीज़ से वाकिफ हैं कि जी ऑक्सफोर्ड का मिसाल है, 1920 के अंदर बिल आया है उसका, क्या खातून थी जिसने बिल पेश किया था कि खुदा का बात था, एक कॉलेज औरतों का तो खोलो उसके अंदर। और वो जो ब्रिज है ऑक्सफोर्ड का, वो बेसिकली औरतों और मर्दों के कॉलेज को मिलाने वाला ब्रिज है, जिसके नीचे फेमस सब तस्वीरें खिंचवाते हैं जाके। अब तो खैर वो इकट्ठा हो गया तो नहीं खोलते थे, ये बात सही है आपकी जी बिल्कुल। तो वक्त के बदलते हुए तकाजों को, अब हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तालीमी इदारे नहीं हैं और लोग वहाँ पे इस तरीके से फ़ायदा हासिल कर लेते हैं कि डायरेक्ट जो उनके ऑनलाइन टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन के, उनसे के मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, गूगल पे सर्च करके कुछ वहाँ से हासिल कर लेते हैं। अब हमारा ये जो इंतहा पसंद तबका है कि वक्त के बदलते हुए तकाज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मतलब जदीद तरीका तालीम है। सवाल अब दोनों बिल्कुल वक्त कम, सिर्फ इंतहा पसंद तबका पैदा कैसे होता है? सबसे बड़ी बात यह है
कि उसके इर्द गिर्द हमने इल्म के कोई स्टिमुलाई नहीं रखे हुए। मेरे इर्द गिर्द खुशबू की मिठाई की दुकान होगी तो मैं उसको, उसमें मुझे खुशबू आएगी मैं उसको चखूंगा। हमने अपॉर्चुनिटीज टोटल क्लोज, बिल्कुल हम उसको तहरीक देते हैं इख्तदार से, इख्तदार हम उसको तहरीक देते हैं, हमारे पास है मुतहरकात उसके लिए, वो इख्तदार से देते हैं, कभी इल्म से, खबर से, नजर से, तहजीब से, अखलाक से हमने नहीं दी। दूसरे आप देखिए क्या आलमिया है कि हम पाकिस्तान बेहद फख्र करता है कि हम एक इस्लामी मुमलकत है, और इस्लामी मुमलकत में 65% लोग जाहिल हों, डूब मरने की जगह है, डूब मरने की जगह है, कि जहाँ खुदा और उसका रसूल एक ही बात पे कहते हैं कि खुदा के लिए सीख लो हाँ। जान लो, और ये हर पैदाइशी हक है, बुनियादी हक है। 65% हाँ। तो आपने वो कर दिया ना, वो देखना नाम, अपना नाम लिखना पढ़ना तो कोई इल्म नहीं है ना, वो कोई इल्म नहीं, मगर मैं फिर भी चलिए उसने एक कहीं अखबार में ये पढ़ लिया कि इधर आओ और उधर जाओ, इतना वो पहचान सकता है, वरना आप समझिए तो मैं तो अपने आप को भी सनद याफ्ता जाहिलों में शुमार करूंगी। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ तालीम आम ना होती हो वहाँ इल्म का तसव्वुर कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वहाँ ये हम जो कागजी ख्याली दरसी निसाबी बातें करते रहते हैं, इससे हम कहीं पहुँचेंगे नहीं, इससे हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। हम 30 मिनट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करके बहुत खूबसूरत तारीख को दोहरा के चले जाएंगे, मगर उसका हमारी जिंदगी से ताल्लुक क्या है? क्या हमने, और वो जो मदरसे थे, कभी हमने मदरसे को समझ लिया है कि अब वो मौलवी की मीरास है? मदरसा तो इल्म, बिल्कुल इल्म की मीरास थी, और वहाँ हर इल्म पढ़ा जाता था, वो चाहे हिंसा था, चाहे आप आपकी नजूम था, मंतक। और एक कमाल हमने ये किया है कि अपनी तालीम से दो मजमून हम खत्म करते जाते हैं, ना अब हम फलसफे पर तवज्जो है ना तारीख पर, हम सोचेंगे कैसे? आप अंदाजा करें यूनिवर्सिटियों में इन दोनों मजमूनों में अब पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं, इसलिए कि हमने ये सिखा दिया है कि तालीम तो रोजगार के लिए होती जी, है। जी जी हमने ये जो है, सिखा दिया जी, कि तालीम तो रोजगार के लिए होती है। डिग्री बिकती कितनी है, कहाँ बिकती है और कैसी बिकती है, और किस स्कूल की बिकती है? मैं जिस मकतबा फिक्र से हूँ वहाँ इल्म जिंदगी के लिए होता है, और जिंदगी जो है भुनाई नहीं जाती, भुनाई नहीं जाती, उसको उसका नकद नहीं लिया जाता, वो तो नकद जहाँ के एवज खरीदी जाती है। वाह, बहुत खूबसूरत बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफा सईद साहब, जनाब हम्माद साहब। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत बात है, और इसी बात पे मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर जब से हमने इल्म को बाजार की चीज़ बना लिया है और डिग्री को रोज़गार का जरिया बना लिया है, उस वक्त से हमारा इल्म महदूद होता चला जा रहा है। हम मुझे इकबाल का रोना, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, और तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, और तुझे आबा से अपने कोई नस्बत हो नहीं करती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित हो सैयारा। हम साबित यानी ठहरे हुए लोग हैं, रुके हुए लोग हैं, काश कोई इस रुकी हुई झील में पत्थर फेंके, लहरें पैदा हों और हम इन किनारों से बाहर निकल के देखें कि हमारी दुनिया कितनी वसी है और उस दुनिया के अंदर क्या कुछ हमारा इंतज़ार कर रहा है। सोचिएगा ज़रूर कि सोचने में ही ज़िंदगी की फलाह है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।